और मेरी धर्मपत्नी जी गई थी अपना मायके, और मायके से आने के बाद, यानी कि मेरा ससुराल से आने के बाद, और देखिए क्या कर रही है आज। हेलो दोस्तों, स्वागत है नितीश प्रीति ब्लॉग्स में। दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद करते कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में सब खुश होंगे। दोस्तों अभी सुबह के 9 बज चुके हैं। दोस्तों हमारी ओर से आप सुबह को ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों अभी सुबह सुबह जा रहे हैं हम लोग बारी प्याज कोड़ने के लिए, और अभी घर में ही है। सुबह का खाना भी खा लिया, और सुबह आज मेरे धर्मपत्नी जी बनाई थी माड़ भात और साथ में आलू का चोखा, जो कि भूंज के नहीं बनाई थी, बस ऐसा ही कच्चा मिर्च डाल के एकदम छनका के बनाई थी। मज़ा आ गया खाने में, और सुबह सुबह ही, और अभी जा रहे दोस्तों काम करने के लिए। और अभी सुबह सुबह ही धूप निकल गया, बहुत तेज, बहुत तेज धूप लगता है। इतना तेज धूप निकलता है ना कि निकलना मुश्किल हो जाता है, फिर भी धूप में जा रहे हैं कोड़ने के लिए, कोड़ के ले आएंगे सब। अभी अब सारा बैल बकरी है सो सब छूटा चलता है, सब आके खा जाता है, इसीलिए जाके कोड़ लेंगे। अभी तो सारा प्याज बैठा हुआ भी नहीं है, फिर भी छोटा छोटा है, उसी तरह कोड़ के ले आएंगे। देखते हैं दोस्तों जाके कि कैसा है और कितना सारा और कितना बड़ा बड़ा बैठा हुआ, आप लोगों को दिखाएंगे, और कुछ इम्पोर्टेंट बातें आप लोगों से भी करेंगे वहां जाने के बाद। तो पहले हम लोग चलिए जी घर से निकलते हैं। पहले क्या और क्या क्या लेके जाएगी? धामा ले जाएगी और कोड़ने के लिए ये वाला ले, इससे नहीं कोड़ेगा, इससे जो बड़ा वाला है ना उससे कोड़ेंगे। तो ये वाला भी लेके जा रहे हैं, अगर इससे कोड़ेगा तो इसी से कोड़ लेंगे, और बड़ा वाला जो संबल है ना तो उससे कोड़ेंगे, ये तो छोटा वाला है। तो चलो पहले ले लो धामा। ये रहा धामा दोस्तों, इसी में लाएंगे कोड़ के, इसको ले लो धामा को। और चलो हाँ दोस्तों बारी आ चुके हैं, और साथ में हम गायता भी ले लिए हैं दोस्तों, इसी से कोड़ेंगे, क्योंकि उधर जहाँ पे लगाए हैं झींगा सारा फसल उसल, वहाँ पे पानी भी पड़ा रहा है। उधर का मौसम देखिए, सुबह भी 9:15 हो चुका है, और देखिए आज का मौसम कितना सुहाना है। थोड़ा थोड़ा हवा चल रहा है लेकिन बहुत तेज धूप क्या हुआ है। और इधर आ गई, पानी पड़ रहा था जी? नहीं मोटर नहीं चालू हो रहा। मोटर चालू नहीं हो रहा है ना, देखना पड़ेगा। एक पारी दो पारी, एक उधर और एक उधर, इतना सारा हम लोगों को कोड़ना है अभी। ये रोपाया था प्याज में, वो सब छोटा छोटा, उधर वाला तो ठीक बैठा हुआ है, उसमें थोड़ा ठीक है, इसमें और इसमें नहीं है। दोस्तों देखिए मेरे हस्बैंड जी अब कोड़ रहे हैं गेता से, और गेता से इधर कोड़ के रखेंगे और हम सारा बीछेंगे। और देखिए धूप के कारण गमछी बांध लिए हैं माथा में, और बहुत तेज धूप हो गया है, और देखिए किस तरह से कोड़ रहे हैं हम लोग। इसी तरह से प्याज कोड़ते हैं, और ऋषभ इधर पूरा कोड़ना बाकी है अभी, बस एक हुआ है उधर कोड़ के रखे हुए हैं धामा में, और उधर भी जो रोपे हैं वो सब भी कोड़ना है। धूप लग रहा है ना, धूप लग रहा है पूरा। मेरा हस्बैंड जी पूरा कोड़ने में मजा आ रहा है। मजा आ रहा है जी, बड़ा अच्छा मजा आ रहा है। बैठ के देखिए कोड़ रहे हैं। अभी प्याज कोड़ के लेके जाएंगे ना, अभी इसी का भुजिया बना आलू में डाल के। ऐसे बनाना बिना आलू आलू का? ओ ऐसे है ना, आलू आलू नहीं डालना। ठीक है ऐसे बना देंगे, जो छोटा छोटा प्याज है ना उसे वो काट के बना देंगे। दोस्तों ये पारी पूरा एकदम कोड़ दिए हैं, और अब देखिए मेरी धर्मपत्नी जी बीच रही है बैठ के, और देखिए दोस्तों पूरा कोड़ दिए, और इधर भी कोड़ दिए हैं, और अभी बीच रही है इधर। चलो जो फटाफट बीच लेते हैं, बस थोड़ा सा बचा है, और उसके बाद घर चलेंगे क्या। और दोस्तों देखिए गांव का जीवन ऐसा ही होता है। और मेरी धर्मपत्नी जी गई थी अपना मायके, और मायके से आने के बाद, यानी कि मेरा ससुराल से आने के बाद, और देखिए क्या कर रही है आज। मेरा ससुराल में पूजा था रामनवमी के वक्त, हर एक साल पूजा होता है वहाँ पे, तो इस बार मम्मी का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए ज़्यादा दिन तक रुक नहीं पाई है, गई और एक दिन बाद आई। बड़ा बड़ा इसमें बैठा है जी, इतना बड़ा बड़ा नहीं है।
बीच लेते हैं पहले, और इससे बिछना हो गया, थोड़ा सा बचा हुआ वहाँ पे बिछने के लिए, तो उधर बीच लेगी मेरी वाइफ, और तब तक हम और कोटते हैं जी, थोड़ा सा बचा है सो। हाँ दोस्तों, सारा प्याज कोड़ना हो चुका है, कोड़ लिए हैं, चार पारी था तो चारों पारी कोड़ चुके हैं, और बैठे अभी छाया में दोस्तों, बहुत तेज़ धूप है और एकदम हालत ख़राब हो जाता है धूप में, प्याज कोड़ना बड़ा ही मुश्किल होता है। और भी आप लोगों को दिखा दे दोस्तों कि कितना सारा प्याज हुआ है इस बार, और अभी और कोड़ना बाकी है क्या जी, उस जगह पे भी कोड़ेंगे, उस बारी में भी, वहाँ पे कोड़े नहीं है, बस इस बारी में जो पीछे लगाए थे वही कोड़े हैं, पहले जो रोपे थे वो अभी हम लोग नहीं कोड़े, वो कोड़ेंगे शाम को। और ये धामा में दोस्तों भर के हुआ है, लेकिन प्याज कोई खास उतना अच्छा बैठा नहीं, सब छोटा छोटा है, एक दो बड़ा बड़ा है। और अभी धूप देखिए दोस्तों कितना तेज़ धूप है, इधर देखिए मेरे धर्मपत्नी जी का। हाँ दोस्तों, भी आप लोगों को दिखाया है कि हम लोग कितना मेहनत किए, कितना मेहनत कर ही रहे थे, लेकिन उस बार पहले के अपेक्षा अगले साल जैसे प्याज हुआ था उस तरह से इस बार प्याज हम लोग का नहीं हो पाया, बहुत सारा मेहनत किए थे, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। खैर जाने दीजिए। हाँ दोस्तों, अब जा रहे हैं घर चलेंगे, बहुत तेज धूप हो चुका है, और अभी मेरी धर्मपत्नी जी भी दोपहर का खाना भी बनाएगी, क्या बनाएगी दोपहर में, अरे प्याज का ना नया वाला प्याज का बनाएगी भुजिया, आलू के साथ मिक्स कर देना। पानी बहुत जोर से प्याज लगा, मुँह भी सूख रहा है, चलो चलेंगे घर। हाँ दोस्तों, अब चले लेके घर, एक नीचे गिर गया जी, दो हमको माथा पे, हम ले लिए हैं दोस्तों माथा पे, और वो ले लो ना, वोला दे दो ना छोटा वाला, उसको ऊपर डालो ना, ऊपर डालो इसमें डालो, अब कहता है ले जा पाएगी ना, मेरे कंधा में दे देगी। पानी भी बहुत जोर से प्यास लगा है, बहुत तेज लगा हुआ है, घर जाके पहले पानी पियेंगे, पानी लेकर आए भी नहीं थे, मोटर भी नहीं चल रहा है कुआं का। चलो जी, यता ले लिया है, कुछ छोटा तो नहीं ना, चलो। हाँ दोस्तों, फाइनली घर आ चुके हैं, और अभी जा रही है मेरे धर्मपति जब खाना बनाने के लिए, और बहुत जोर से प्यास लगा है दोस्तों, पहले पानी पी लेंगे। मैं पी गया, पी लिया। इतना भारी तेज धूप है ना, बहुत तेज धूप है, एकदम गला सूखने लगता है क्या। और दोस्तों, अभी जा रही खाना बनाने के लिए, और आज के वीडियो बस अब यहीं समाप्त करते हैं, और इस चैनल पे जो नहीं होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, फिर मिलेंगे आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय जोहार।